वेलकम एवरीबॉडी। हमारा टॉपिक है आज एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो आप ये जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ये देखिए, आप यहाँ पर ये एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जो लोड पी ले रही है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है। इसमें किसी भी अगर आप सेक्शन लेते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पर एक रोटेशनल शेयर स्ट्रेस आती है, तो उसके साथ साथ शेयर स्ट्रेन भी आती होगी। और हम लोग जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट में जब शेयर स्ट्रेन आती है, जैसे मान लो इस स्प्रिंग को अगर एक शाफ्ट की तरह हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, तो जब ये टॉर्क लगता है तो यहाँ पर ये जो आप जानते हैं इसमें एंगल और ट्विस्ट डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ये एक हाफ प्लेन ले लें, इसे हाफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये वाला एंड जो होता है ये 5 एंगल से ट्विस्ट कर जाता है। तो इसमें जो वर्क डन जो होता है वो आप जानते हैं कि 1/2 T5 के बराबर होता है। तो ये वर्क डन जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, उसको हम लोग यू बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी से इसमें वर्क डन या एन यू को निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, यू इज इक्वल टू 1/2 T5। और टी जानते हैं वो, टी आप जानते हैं कि यहाँ पर टी जो होता है ये जो लोड है पी, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है आर मीन रेडियस, उसके बराबर होता है। तो ये टी इज इक्वल टू पी आर इसमें रख देंगे। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक फाई की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। तो फाई जो होता है वो टी मतलब टॉर्क, एल मतलब लेंथ, और जी के बराबर होता है। ये आप जानते हैं टॉर्शन फार्मूला से आता है। टी की जगह पी आर रख देते हैं। एल जो होता है इसमें क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में 2 पाई आर एन के बराबर होता है। जे तो है आपका शेयर मॉडुलस है, जी शेयर मॉडुलस है। और जे जो होता है वो आपकी, आपको पता है कि ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस जो होता है वो π/2C4 के बराबर होता है। अगर लेकिन अगर डायमीटर की टर्म में रखें तो ये जो होता है वो π/32D4 के बराबर होता है। तो अगर इसको हम लोग रख देते हैं और अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे को जो फाई आता है वो आता है 64 πr² n/gd4। ये जो होता है ये फाई की वैल्यू आती है। इस फाई की वैल्यू को इसमें रख देंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यू इजल टू 1/2 T5। टी की जगह रख देते हैं पी आर, और फाई की जगह जो भी हमें अभी वैल्यू निकाली थी 64 πr² n/gd4। इसमें ये जी जो होता है इसको यहाँ 1/2 के साथ ले लेते हैं, 1/2 g। और ये जो टर्म है इसको ऐसे पी आर को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, और 64 को 16 × 4 लिख देते हैं। भी आप देखिएगा इसका एक पर्पज़ है। और ये पी आर स्क्वायर को पी आर, एक आर को दो इसमें पार्ट में कर देते हैं, r × r n, और नीचे जो d4 था इसको d³ × d कर देते हैं। और इसको पूरी को हम लोग 4π² d² / 4π² d² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग चाहते हैं कि शेयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन बन जाए यहाँ पर। तो ये 16 πr/π³, आप जानते हैं शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है। तो 16 πr/π³ यहाँ से, ये यहाँ से मिल गया एक 16 πr/π³। यहाँ जो 4 है और ये जो 4 है इन दोनों को भी साथ में ले लेंगे, 4 × 4, इससे भी 16 मिल जाएगा। एक पी आर यहाँ पर है, आर एन को अलग कर देते हैं। और यहाँ जो आपने इससे इससे मल्टीप्लाई किया था पाई स्क्वायर से, तो ये एक पाई स्क्वायर जो है एक यहाँ चला गया, एक पाई स्क्वायर यहाँ आ गया। और ये जो एक सिंगल डी था ये डी स्क्वायर भी यहाँ चला गया। तो यहाँ पर ये 16 πr/π³ हो गया, यहाँ भी 16 πr/π² d × d², ये भी d³ हो जाएगा। r × n ये तो सेफ पहले से बचा हुआ है, यहाँ पर जो सेफ बचता है वो पाई स्क्वायर बचता है d², क्योंकि इसका हमने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 4 का यूज़ किया था ऊपर। नीचे हम लोग, नीचे जो होता है वो हम लोग सिर्फ 4 का यूज़ नहीं किया है, पाई स्क्वायर हम लोग यहाँ ले चुके हैं, π × π d² हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं, ये d² है, तो सिर्फ 4 बचता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 1/2 g 16 πr/π³, ये जो होता है ये टाउ के बराबर है, शेयर स्ट्रेस टाउ। और ये भी 16 πr/π³ है, ये आर एन है, ये π² d² / 4, ये पहले से सेफ है। इसको 2/2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगले टर्म में देखिए 1/2 g, ये टाउ × टाउ, और ये r × n, π² को भी 2 बार हम लोग डिवाइड कर देते हैं π × π। यहाँ पर एक एक पाई बाहर आ गया, और एक पाई, और ये नीचे 4 है, π/4 d², और ये यहाँ पर 2/2 है। अब अगला टर्म जो होता है वो होता है 1/, ये जो 2 है ये वाला 2, इसको यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1/4 g बन जाता है, ये τ² बन जाता है। और अगर इसको देखें आप तो ये π/4 d², ये जो होता है ये जिस वायर से स्प्रिंग बनी होती है उसका डाया मीटर का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसी की वैल्यू है
पाई बाई फोर डी स्क्वायर, और ये यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एन, ये एल के बराबर है, एल इज टू 2 पाई आर इंटू एन। तो यहाँ पर ये जो चीज़ ये है, ये लेंथ इंटू एरिया का मल्टीप्लीकेशन है, जो वॉल्यूम, जिससे वॉल्यूम बन जाता है 2 पाई आर एन इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, इससे वॉल्यूम बन जाता है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला है इंटरनल स्टोर एनर्जी इन द स्प्रिंग जो होती है 1/4g इंटू टाउ स्क्वायर इंटू वॉल्यूम के बराबर होती है। अब आप इसको अगर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू बाई वी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग ये हो जाता है, ये वॉल्यूम वी को नीचे ले जाते हैं तो टाउ स्क्वायर अपॉन 4g। ये जो एक्सप्रेशन आता है, ये एक्सप्रेशन है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्प्रिंग। तो यही हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था।